हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल काव्यांश में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कलरफुल शायरी वीडियो कैसे बनाएं, वो भी अपने मोबाइल से काइंड मास्टर एप्लीकेशन से। यहां दोस्तों, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी सूचना आपको मिल जाए। दोस्तों, फटाफट से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह की वीडियो बनाई, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे वीडियो को बनाते हैं। दोस्तों, ये रहा मेरा वो वीडियो, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वीडियो। देखिए दोस्तों, ठीक इसी तरह से मैं भी आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे बना सकते हैं इस तरह का वीडियो। दोस्तों, आपको एक कोई भी प्रोजेक्ट ले लेना है और उसका बैकग्राउंड ब्लैक या फिर किसी भी कलर का रख लेना है, लेकिन आपको ग्रीन और ब्लू कलर का उपयोग नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों, लेयर में जाके आपको टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई भी शायरी यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप भी कोई भी शायरी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये वाला लगा दिया है और उसके बाद आपको यहाँ इसका टेक्स्ट जो है चेंज कर लेना है, जैसे कि ये वाला टेक्स्ट मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको यह इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है और इसका कलर आपको ब्लू कर देना है। इसको दोस्तों आपको 30 सेकंड का कर लेना है, जितना बड़ा आपको वीडियो बनाना है उस हिसाब से आपको कर लेना है। फिर आपको इसको इस पे टैप करके लेयर को और उसको डुप्लीकेट फाइल बना लेनी है दो तीन। फिर अगली जो फाइल होगी उसको यहाँ से खींच कर इसको अगला इसका पार्ट लिखना पड़ेगा। देखो दोस्तों, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया है। फिर अगला जो पार्ट हमने बना था डुप्लीकेट का, उसको भी करके इसके आगे का लिख लेना है। इसको लिखने के बाद दोस्तों, आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको इसका इंट्रो, मतलब ये कैसे आए, किस स्टाइल में आए, तो आपको वो यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। आपको इन एनिमेशन में जाके आप जो भी तरीके चाहें, इस तरह से चाहते हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर बाद देना। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है, किसी भी क्वालिटी में आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, अच्छी क्वालिटी में ही करना है। फिर आपको दूसरा प्रोजेक्ट लेना है और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर या फिर वाइट कलर का उपयोग करना है। ब्लैक कलर में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको भी आपको जितनी बड़ी वीडियो आपने बनाई थी उतना बड़ा इसको तैयार करना है। फिर यहाँ पे दोस्तों, लेयर में जाने के बाद आपको हैंड राइटिंग में जाना है और फिर आपको यहाँ से पेंसिल पर क्लिक कर देना है और यहाँ से कलर आपको, ये साइज आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे रेड ले ले रहा हूँ। जैसे मैं कर रहा हूँ ठीक ऐसे ही आपको भी करना है। ये दोस्तों हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उसमें जो लाइटें जल रही थी कलरफुल, उस तरह का लुक आए। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे कई कलर्स की लाइनें बना लेनी है। उसके बाद दोस्तों, आपको इसको डन कर देना है। फिर आपको इसको लेयर को अपना इसके वीडियो के बराबर ही खींच देना है। फिर थ्री डॉट पे जाके आपको इसके दो तीन डुप्लीकेट फाइल बना लेनी है, तीन डुप्लीकेट फाइल आपको बना लेनी है। फिर आपको इसको थोड़ा सा जूम करना है और यहाँ जो बीच वाला ऑप्शन है इस पे जाके आपको फ्लिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको दूसरा वाला लेना है और इसको जूम करके आपको फिर से बीच वाले में जाना है और इसको स्पिन CCW पे सेलेक्ट कर देना है। दोस्तों, इतना जूम कर दीजिए ताकि ये आपको ये पूरी स्क्रीन को कवर कर ले। फिर आपको अगले वाले में जाके इसी तरह का एनिमेशन फिर से दे देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ लेयर में जाके मीडिया फाइल पे जो ये वीडियो का आइकन दिख रहा है, इस पे आपको जाना है। दोस्तों, अगर ये वाला मैं आपके काइंड मास्टर में ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मैंने काइंड मास्टर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उससे अगर आप डाउनलोड करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आने लगेगा, जिसमें आप लेयर में मीडिया फाइल को ला सकते हैं। अब आपको एक्सपोर्ट में जो हमने वीडियो एक्सपोर्ट किया था उसको हम यहाँ से ले आएंगे। उसके बाद दोस्तों, इसको फुल स्क्रीन पे कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला हमने एक्सपोर्ट किया था जो पहली बार किया था। दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ क्रोमा की ऑप्शन पे चले आना है, फिर इसको इनेबल कर देना है
और यहाँ पे दोस्तों की कलर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको टच करना है और इसको नीले कलर का सिलेक्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका बैकग्राउंड भी हल्का हल्का नज़र आ रहा है, इसलिए आपको इस लाइन को आगे पीछे करके इसको सही कर देना है। देखिए दोस्तों अब एकदम परफेक्ट हो गया है। और दोस्तों मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों हमारा इस साड़ी का वीडियो तैयार हो गया है और ये बहुत ज़्यादा लुक अमेजिंग लग रहा है। आप इसको ट्राई कीजिए और अपने व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर कीजिए, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल टेक्निकल काव्यांश को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।